चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स सी। अब हम लोग दूसरा फिगर और एक लेते हैं, वो है हॉलो हेमिस्फीयर। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हॉलो हेमिस्फीयर में गलती करना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। एक क्लासिक गलती हम हर कोई करते हैं, वो करना नहीं है। चलो देखते हैं। ये है मेरे पास हॉलो हेमिस्फीयर, जिसको ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। ये है इसका सेंटर, ये ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है। रेडियस जो है वो है मेरा कैपिटल आर, ठीक है। जी मेरा इस डायरेक्शन में है, तो मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ये वाले हॉलो हेमिस्फीयर का। टोटल मास तो ऑब्वियसली दे रखा है, दैट इज एम, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या जो निकालते हैं वही निकाल रहे हैं, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा यहां पर कितना आएगा, एम बाई टू पाई आर स्क्वायर। पूरा स्फीयर का होता है 4πr², तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस है, अच्छा यहां पर ध्यान देना नीचे वाला एरिया नहीं है, नीचे वाला खाली है, केवल कर्व सरफेस अवेलेबल है। तो मास पर यूनिट एरिया जो आएगा वो कितना आएगा, एम बाई टू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो हॉलो हेमिस्फीयर को सॉल्व करने का टेक्निक भी रिंग की तरह ही होती है, यानी यहां से थीटा एंगल पर ये जो सॉल्विंग टेक्निक्स है दे आर स्टैंडर्ड एंड बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये इतने बार बात में आएगा जो हमारे लिए लाइफ में तकलीफ हो जाएगी। तो यहां से एट एन एंगल थीटा पर एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल टुकड़ा काट लो जिसका एंगल है डी थीटा, राइट। तो ये वाला जो मेरा लेंथ आएगा वो लेंथ ऑब्वियसली आएगा आर डी थीटा, और ध्यान देना ये वाला मेरा स्लैंट लेंथ होगा, दिस वन इज द स्लैंट लेंथ। हमें यहां पर स्लैंट लेंथ ही लेना है, अगर हम टेढ़ा लेंथ नहीं लेते हैं दोस्तों तो इन दैट केस ऑब्वियसली बात है हम एरिया को अंडर काउंट करके बैठेंगे। अगर हम वर्टिकल हाइट लेते हैं तो डेफिनेट सी बात है वहां पे थोड़ा सा एरर तो आ ही जाएगा, थोड़ा मतलब काफी एरर, राइट। तो ये वाला जो रेडियस है वो रेडियस है मेरा स्मॉल आर, ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, राइट। अच्छा तो यहां पर अगर मैं देखूं दिस इज कैपिटल आर दिस इज थीटा, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर कॉस थीटा, और जमीन से जो हाइट होगा एच दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया, राइट। अब देखो ध्यान देना ये मेरा स्मॉल आर है, तो ये वाला जो पूरा लेंथ होगा वो होगा 2π स्मॉल आर, और स्लैंट लेंथ जो है वो है मेरे पास आर डी थीटा। तो एरिया डीए कितना आएगा मेरे पास, 2π स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डी थीटा। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2π कैपिटल आर स्क्वायर एंड स्मॉल आर इज आर कॉस थीटा डी थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा एरिया डी ए, और मास पर यूनिट एरिया में जानता हूं सिग्मा, वो तो मैं पहले ही निकाल रखा हूं। तो सिंपल सी बात है जो मेरा ये वाले टुकड़े का डीएम होगा दैट विल बी सिग्मा इंटू डी ए। नाउ सिग्मा में लिख देता हूं एम बाई टू पाई आर स्क्वायर
इंटू टू पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा एंड दैट कैन बी कट. सो डीएम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम कॉस थीटा इंटू डी थीटा, राइट? नाउ इसके बाद अब हमारे पास क्या आएगा? अब अगर हम लोग देखें एक चीज, ये जो पूरा का पूरा रिंग है ये हमारे सरफेस से सेम हाइट पे हर पॉइंट है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी du, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी du, दैट विल बी सिंपली dm इंटू जी इंटू ये वाला हाइट h, एंड दैट कैन बी रिटन एज r sin theta. सो du जो आएगा दैट इज एम जी आर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज एम जी आर बाई टू इंटू साइन साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा मेरे पास होता है, साइन टू थीटा इंटू डी थीटा, ये मेरे पास du आ जाएगा. तो u निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इसे इंटीग्रेट करूंगा एम जी आर बाई टू इंटीग्रल साइन टू थीटा डी थीटा, और यहां पे गलती मत करना, थीटा वेराइज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, थीटा जीरो से पाई नहीं होगा, मैं यहां पर पाई का जैसे ही पाई बाई टू का जैसे ही काटूंगा मैं टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंच जाऊंगा, यहां पर थीटा से मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, तो जैसे मैं कोई 30 डिग्री काटूंगा तो मैं दोनों तरफ कवर हो जा रहा है ना, तो मुझे केवल 90 तक ही जाने की जरूरत पड़ेगी पूरा रिंग को कवर करने के लिए. नाउ साइन टू थीटा का क्या आ जाएगा, 1/2 कॉस टू थीटा पुट करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास कॉस पाई माइनस कॉस जीरो विद अ माइनस साइन, वो टू और ये टू कट करेगा, तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, ट्रस्ट मी इन कैलकुलेशन, इसमें That will be एम जी आर बाई टू, यानी मैं हॉलो हेमिस्फीयर को रखूं या फिर आर बाई टू पर एक पॉइंट मास को रखूं तो दोनों केस में मेरा पोटेंशियल एनर्जी सेम आने वाली है, राइट? यानी जो हमारा हॉलो हेमिस्फीयर का ग्रेविटेशनल सेंटर होती है वो हमारा आर बाई टू होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर को लेकर मैं किस तरीके से डील करूंगा, ठीक है? अच्छा, सॉलिड हेमिस्फीयर में हमें काटना होता है डिस्क, सॉलिड हेमिस्फीयर में हमें काटना होता है डिस्क, तुम रिंग काट के भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों तरीका हो सकता है, अगर रिंग काटना चाहो यानी आर डी थीटा से करना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर अगर एक साइड पे काटता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कोई भी एक तरीके से सॉल्व कर दूंगा, दूसरे तरीके से ट्राई करना वही आंसर आने वाला है. ये मेरा ग्राउंड है, वही मेरा रेफरेंस लेवल है, इस तरफ जी है, इस तरफ रेडियस आर है, राइट? टोटल मास एम है, हमें इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी. अच्छा, यहां पर थ्री डायमेंशनल पे आ चुके हैं हम लोग, मास यहां पे पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो हमें जो निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम रो इज एम बाई हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 3m/2 पाई आर क्यूब. चलो जैसे हॉलो सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थीटा पे मैंने एक डिस्क काट लिया, डी थीटा का थीटा पे मैंने एक डिस्क काट लिया डी थीटा का,
नाउ ये रेडियस है स्मॉल आर, तो ये वाला जो लेंथ आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। राइट, ध्यान देना, वॉल्यूम निकालने में मैं आर डी थीटा यूज नहीं कर सकता हूं। वॉल्यूम जो हमारा टुकड़ा काट रहा है वो इफेक्टिवली, ध्यान देना दोस्तों, जो मेरा कट रहा है वो क्या कट रहा है, मेरे पास बेसिकली एक इस तरीके से टुकड़ा कट रहा है, ये वाला रेडियस है स्मॉल आर। हमें जो निकालना है वो बेसिकली निकालना है ये जो स्मॉल हाइट है वो डीएच, ये आर डी थीटा ऑब्वियस सी बात है, ये आर डी थीटा जो है वो डीएच नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर डी थीटा मेरा डीएच नहीं है, मैं अगर स्लैंट लेंथ के बराबर हाइट को मान रहा हूं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी गलती कमिट कर रहा हूं, ये मेरा 3D फिगर है, 1D फिगर नहीं है। तो यहां पर ध्यान देना, दिस इज द हाइट h, स्मॉल r अगेन इज r cos थीटा, हाइट h इज r sin थीटा। देखो कब स्लैंट लेना है और कब स्लैंट नहीं लेना है ये बात को समझो, हॉलो में उसके अलोंग ही पूरा मास है तो हमें स्लैंट लेना पड़ेगा, सॉलिड में मास जो है वॉल्यूम के अंदर है और ये प्रैक्टिकली एक सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट विल बी द वॉल्यूम, ना कि पाई आर स्क्वायर इंटू द स्लैंट लेंथ। हॉलो और सॉलिड में ये जो डिफरेंस है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अभी हम नेक्स्ट फिगर कोन करने वाले हैं, वहां पर भी हमें सेम डिफरेंस मिलने वाला है, इस बात को हम पहले समझ ले। राइट, सो स्मॉल आर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, स्मॉल एच इक्वल्स टू मेरे पास क्या जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dh विल बी नथिंग बट r cos थीटा d थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ओके दोस्तों, तो नाउ dh मेरे पास आ चुका है, तो ये वाले टुकड़े का जो वॉल्यूम होगा dv दैट विल बी इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इंटू dh एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैपिटल आर कॉस थीटा डी थीटा दैट इज पाई आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। राइट, सो नाउ हाउ टू सॉल्व, ये मेरे पास डीवी है तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास डीएम कितना आ जाएगा, डीएम विल बी सिंपली इक्वल्स टू रो इंटू डीवी दैट इज 3m बाई 2 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। सो पाई आर क्यूब कैंसल्ड, सो डीएम कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 3m बाई 2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ये मेरे पास डीएम आ गया। Now, सरफेस से ये पूरा डीएम सेम हाइट पर है और वो हाइट हमारे पास कितना है, आर साइन थीटा। तो दोस्तों इसका जो डीयू होगा दैट डीयू विल बी इक्वल्स टू डीएम जी इंटू आर साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 mg बाय 2 कैपिटल आर साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ये मेरा du आ जाएगा। तो मेरे पास u जो आने वाला है, u जो आने वाला है वो u कितना आने वाला है, u विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3 mg r by 2 इंटीग्रल साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा व्हेन थीटा वेराइज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2।
when theta varies from 0 to pi by 2. तो cos theta का value, cos theta को अब यहां पे t put कर दो integrate करने के लिए, तो sin theta d theta मेरे पास आ जाएगा minus dt, right? So u मेरे पास क्या आने वाला है, 3mgr by 2, आगे एक माइनस साइन, ठीक है ना। कॉस क्यूब को मैं लिख देता हूं टी क्यूब, इसको लिख देता हूं डी टी। अच्छा, कॉस जीरो इज वन, साइन जीरो इज कॉस 90 इज जीरो, सो टी क्यूब डी टी दैट इज नथिंग बट टी टू द पावर 4/4। जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, मेरे पास आ जाएगा 1/4। So this will be equals to, so u will be equals to 3mg r by 8, that is mg into 3r by 8. Yani solid hemisphere ko rakhu ya fir 3r by 8 pe ek point mass rakhu, dono case mein potential energy exactly same aayegi. Ye sare results ko bhulna mat, मैं वापस इन्हें याद दिलाने वाला हूं। देखो बच्चों, मैंने वर्क पर एनर्जी में डिराइव किया था, एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, वहां पे सारे के सारे डेरिवेशंस आने वाले हैं और उस टाइम पे मैं यहीं से रेफरेंस लूंगा। तो ये वाले सारे फिगर्स का पोटेंशियल एनर्जी हमें याद रख लेना है, यानी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में एमजी तो याद रहेगा ही रहेगा, ये जो साथ में लिख रहा हूं वो वाले टर्म्स 2r by pi, 4r by 3 pi, यहां पर r by 2, यहां पर 3r by 8, ये सारे टर्म्स जो है वो हमें हर हाल पे याद होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट फिगर इज अ सॉलिड कोन, राइट? ओके, तो मेरे पास एक सॉलिड कोन है, उसमें केवल हाइट दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ नहीं है। यह मेरा रेफरेंस लेवल है ग्राउंड, अब इसी कोन का मास है m और रेडियस नहीं दिया हुआ है। आंसर रेडियस इंडिपेंडेंट आता है, वो देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वी विल सी आंसर जो है मेरा रेडियस इंडिपेंडेंट आएगा। तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी ये मैं थीटा मान लेता हूं, सेमी वर्टिकल एंगल, राइट? तो ऊपर से एक्स दूरी पे मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काट लेता हूं, राइट? डीएक्स थिकनेस का, राइट? अच्छा, नीचे का जो रेडियस आएगा कैपिटल आर, अगर मैं उसको देख लूं तो कैपिटल आर बाई एच इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो आर आ जाएगा मेरे पास एच टेन थीटा। ये भी मेरे पास सॉलिड है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो इज इक्वल्स टू एम बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरा मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा एंड आर इज नथिंग बट एच टेन थीटा, सो दैट इज इक्वल्स टू 3m, क्या जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बाई पाई इंटू एच क्यूब, आर इक्वल्स एच टेन थीटा मैंने पुट कर दिया। नाउ यहां पर जो टुकड़ा मैंने काटा हूं उसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है? तो स्मॉल आर इज अगेन एच टेन थीटा। तो ये जो मैंने टुकड़ा काटा हूं, ये बेसिकली मेरे पास एक डिस्क है,
जिसका रेडियस है स्मॉल आर और हाइट है डी एक्स, बट दिस वाज अ सिलेंडर बेसिकली. सो जो हमारा वॉल्यूम है dv, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू टेन स्क्वायर थीटा. ये dv है. सो दिस इज रो, दिस इज dv. सो व्हाट वी विल गेट इज dm, दैट इज रो dv, दैट इज 3m cot स्क्वायर थीटा by pi h cube, pi x square tan square theta into dx. ये मेरे पास आ जाएगा. So pi pi gone, cos square tan square gone. So जैसे कि मैंने बोला था, मेरा independent of r आएगा, वो आ चुका है, क्योंकि अब मेरा कहीं पर theta आने वाला है नहीं. तो simply मेरे पास dm आ चुका है, और वो आया है 3m by h cube into x square dx. इसका अगर मैं जमीन से हाइट देखूं, तो जमीन से इसका हाइट है h minus x, तो du जो आएगा that will be 3m by h cube x square into h माइनस एक्स जी डी एक्स, राइट. सो यू जो आ जाएगा 3mg by h क्यूब, h इंटू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम जीरो टू h माइनस इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 0 टू h. ये क्या आ जाएगा मेरे पास, h क्यूब बाई थ्री, h क्यूब बाई थ्री, यानी वो मल्टीप्लाई करूंगा तो h टू द पावर 4 बाई थ्री माइनस h टू द पावर 4 बाई फोर, यानी कितना आ जाएगा h टू द पावर 4 बाई 12. तो मेरे पास आ जा रहा है 3mg अपॉन h क्यूब इंटू h टू द पावर 4 बाई 12. So, h क्यूब और h टू द पावर 4 गया, वो तो h हो गया, और 3 और 12 गया. सो u मेरे पास आने वाला है mg इंटू h बाई 4. तो अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो सॉलिड सिलेंडर का आएगा mg इंटू h बाई 4 पे. ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हॉलो सिलेंडर देखते हैं दोस्तों. ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी फॉर अ होलोकोन, देखते हैं क्या होता है होलोकोन में. तो ये है मेरा होलोकोन, ये हाइट दे रखा है अगेन, और कुछ नहीं दे रखा है, यानी रेडियस वगैरह नहीं दे रखा है. हमने पिछले केस में देखिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मास है एम, ठीक है. तो सबसे पहले हम कर लेते हैं काम, ये एंगल है थीटा जी, मेरा इस डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, रेफरेंस लेवल ग्राउंड है. तो क्या करेंगे, ध्यान देना, अगेन ये हॉलो है. नाउ द स्लैंट लेंथ बिकम्स इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहां से मैंने एक्स दूरी पे, सॉरी इसको एल ले लेता हूं, स्मॉल एल, मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काटा जिसका ये वाला लेंथ है डीएल, ठीक है. ओके, नाउ ये वाला रेडियस जो है वो है मेरे पास स्मॉल आर. अच्छा, टोटल स्लैंट लेंथ को अगर मैं कैपिटल एल मानता हूं, दिस इज एच, दिस इज एल, सो वी कैन क्लियरली सी दैट एल इज इक्वल्स टू कैपिटल एच सेक थीटा, ठीक है. अच्छा, तो मास पर यूनिट एरिया यहां पर कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा, कितना आएगा, एम अपॉन पाई आर एल,
सिग्मा मेरे पास आ जाएगा एम अपॉन सॉरी एम अपॉन पाई आर एल, समझ में आया नहीं आया, अंडरस्टूड? सो इसको थोड़ा लिख लेता हूं। अच्छा, आर और एच में क्या संबंध है? आर विल बी इक्वल्स टू एच टेन थीटा, सबको एच के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, पाई ए स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा सिग्मा। ओके, नाउ स्मॉल आर इज अगेन, ये वाला अगर मैं देखूं, ये वाले को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, या फिर एल मान लो, किसी के भी टर्म्स में लिख लो, डजेंट मैटर। अब बताओ अगर ये एल है तो स्मॉल आर में लिख सकता हूं एल साइन थीटा, ठीक है, समझ में? तो ये जो मेरा टुकड़ा कटेगा वो बेसिकली एक रिंग कटेगा, तो उसका जो डीए होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टू पाई स्मॉल आर इंटू डीएल, एंड दैट कैन बी रिटन एज टू पाई साइन थीटा इंटू एल डीएल, दैट्स डीए। सिग्मा में जानता हूं इतना है, सो जो हमारा डीएम आएगा दैट विल बी सिग्मा डीए, यानी एम बाई पाई एच स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टू पाई साइन थीटा इंटू एल डीएल, ये मेरे पास डीएम आ जाएगा। सो एम पाई पाई इज कट, तो डीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? डीएम विल बी सिंपली इक्वल्स टू टू एम बाई एच स्क्वायर। अच्छा, तो कितना जाएगा? ये साइन थीटा कट, ठीक है, ये साइन थीटा कट, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? सिंपली बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एल डी एल, राइट? समझ में आया? So, अब अगर मैं देखूं ये एल है तो ये एक्स क्या होगा? एक्स विल बी सिंपली एल कॉस थीटा, सो डीएक्स विल बी इक्वल्स टू डीएल कॉस थीटा। तो ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है, एक्स एक जो है वो एल को दे दो, एक जो है वो डीएल को दे दो, तो सिंपली जो मेरे पास डीएम आ जाएगा दैट विल बी टू एम बाई एच स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा? एक्स इंटू डीएक्स, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट? एक कॉस थीटा एल को दे दिया, एक कॉस थीटा डीएल को दे दिया। नाउ जमीन से इसका जो हाइट है वो मेरे पास कितना है? एच माइनस एक्स, तो डीयू जो आएगा That will be simply dm into g into h minus x. So that will be equals to 2mg by h square x into h minus x dx. So total energy u टू एम जी बाई ए स्क्वायर एच इंटीग्रल एच डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एच एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एच। नाउ यहां पर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई टू, एच क्यूब बाई टू हो जाएगा, माइनस एच क्यूब बाई थ्री, सब्सट्रैक्ट करूंगा तो हो जाएगा एच क्यूब बाई सिक्स, सो यू आ जाएगा मेरे पास 2mg upon h square into h cube by 6, that is equals to mg into h by 3. तो potential energy निकालने के लिए हमें hollow cone को replace करना पड़ेगा
एक h बाई थ्री हाइट पर रखा हुआ पॉइंट मास से। तो अब हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हो सकते हैं उन सारे फिगर्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम निकाल चुके हैं। ये जो रिजल्ट्स है इसे हमें याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने चेन के केस में दिखाया, तो ऐसे हर केस में ही ये वाले वैल्यूज अगर हमें याद है, जो जो मैं ब्रैकेट पे लिख रहा हूं वो अगर हमें याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्पीड है वो हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।